अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज कमर की पोजीशन काल पुरुष कुंडली के मुताबिक कमर रोहिणी नक्षत्र में मौजूद है और राहु के साथ कंजक्शन बना रहा है। ये योग जज्बाती मामलत में मुतात रहने को सर करता है। केतु भी कमर को देख रहा है। खुफिया मामलत, फैमिली, रुपये पैसे के मामलों में मुतात रहें। ये रीडिंग तमाम रूज के लिहाज से रीडिंग दी जा रही है। आज के हॉरोस्कोप के लिहाज से सबसे पहले बुर्ज हमल। घरेलू अखराज बढ़ेंगे, ज़हनी दबाव बढ़ेगा। आज कारोबार में गैर यकीनी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अचानक फ़ायदा मिल सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में दूसरों की मुदाखलत ना होने दें। बुर्ज सौर, लोगों के तावन हासिल होगा। जज्बाती मामलों में मुतात रहें, जल्दबाजी से परहेज करें। माशी मामलों में बेहतरी आएगी, सदका खराज ज़रूर करें। बुर्ज जौज़ा, आज लोगों से फंसी हुई रकम का हसूल हो सकेगा। हालात के उतार चढ़ाव से ज़हनी दबाव रहेगा। कामकाज की जगह पर मसाइल दरपेश आ सकते हैं, बातचीत से मसाइल हल हो जाएंगे। बुर्ज सरतान, माशी मामलत में उतार चढ़ाव आ सकता है। ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारेंगे, तअल्लुकात में बेहतरी आएगी। रोमानी मामलों में मुश्वत पेशवत हो सकेगी। तख्लीकी सलाहियतें नमायाँ होंगी। बुर्ज असद, सरमायाकारी से फ़ायदा होगा। लोगों पर नज़र रखें, इनको ऑब्ज़र्व करें, इनके मामलों को देखें। सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने में मुतात रहें। सुमला, अपनी चादर देकर पांव फैलाएं। आज आप गलतियों की सलाह कर सकेंगे। जज्बाती फैसलों से बचें, वरना आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बुर्ज मेज़ान, फजूल खर्ची से परहेज करें, माली नुकसान हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें, ज़हनी जिस्मानी दबाव बढ़ेगा। लोग आपकी सलाहियतों का एतराफ़ करेंगे। बुर्ज अकरब, आज आपके करीमी अफराद आपकी तारीफ़ करेंगे। आपका हमदर्दाना रवैया मिसाली होगा। तअल्लुकात में बेहतरी आएगी। किसी मजहबी और रूहानी तकरीब का इनकार कर सकते हैं। बुर्ज कौस, आज आप माजी की यादों में खो सकते हैं। कोई पुराना दोस्त मिलने आ सकता है। ख्वाहिशात की तकमील होगी। इख्तलाफी मामलों पर गुफ्तगुशनी से परहेज करें। इलम में इजाफा होगा, मफीद मालूमात मिलेंगी। बुर्ज जद्दी, ख़ानदान के साथ सैर व सहत कर सकेंगे। वालदन की सेहत मुतासर हो सकती है। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। आज खुशनसीबी आपका साथ देगी। सदका खराब करें। बुर्ज तल्फ, ज़रूरत और ख्वाहिशात में फ़र्क को समझें। रोमानवी मौके मिलेंगे। खेल कूद या वर्जिश का प्रोग्राम बन सकता है। आपके मसाइल को खुद समझें। लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। मुतात रहें। बुर्ज हौद, घरेलू माशी मसाइल का हल मिल सकेगा। शरीकियात के साथ मुस्बत गुफ्तगुशनीद हो सकेगी। अपनी ज़ाती शख्सियत को मनवाने के लिए आज का दिन बेहतर है। नाज़रीन, आज का हॉरोस्कोप आपको बता दिया गया। ये हॉरोस्कोप मून बेस पे होता है, वैदिक मून बेस पे, यानी कमर जिस घर में होता है उसके लिहाज से स्थानों की पोजीशन बताई जाती है, उसकी रीडिंग दी जाती है। लेकिन ये आपके पैदाइशी जायजे से मुख्तलिफ होता है। पैदाइशी जायजे में आपके मुख्तलिफ योग, मुख्तलिफ स्थानों की पोजीशन डिफरेंट होती है, जिससे आपके हालात वाक़ हर शख्स के मुख्तलिफ होंगे। हत्ता के एक बुर्ज के अफराद किस तमाम हालात एक जैसे नहीं हो सकते। लिहाजा अपना पैदाइशी जायजा ज़रूर इस्तराज कराएँ किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से और तहरीरी जायजा लें। हम ज़ाती तौर पर तहरीरी जायजा बनाते हैं। 10 से 12 सफ़ात की रिपोर्ट होती है, जिसमें आपको तमाम आपके मसाइल का हल, आपकी दशा अंतरदशा, आपके योग, नहस योग, सदक़ात, वज़ाइफ और तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं। अगर आप अपना ज़ाती जायजा बनवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।